अपने जा जा करके आ, जिसको ना अपने आप पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। चल पर तू भी साथ। मैंने एक शेर वाली कैप देखी, ये सुंदर है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम सब बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग के करते हैं शुरुआत। टाइम हो चुका है सुबह के 11:30। आज ज़्यादा ही ठंड है दिल्ली में, और आज पूरी फैमिली जा रही है चांदनी चौक। बहन ने कुछ शॉपिंग करनी है चांदनी चौक में, तो वहीं हम जा रहे हैं। आज बहन का दूसरा दिन है दिल्ली में, और पहले दिन हम घूमे थे सिलेक्टिव वॉक में। कल अभी पहले पैसे निकलवाने एटीएम से। नहीं जा जा कर क्या, इसको ना अपने आप पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। चलाने आता है ना। हाँ, चलाने तो है। चल पर तू भी साथ ले। बहन अभी डरेगी, उसका कार्ड ही नहीं बाहर आ रहा। अभी हम पहुँच चुके हैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पास ही हैं, और मैंने सोचा कि सबसे पहले जहाँ पर बहन को जामा मस्जिद दिखाते हैं, मीना बाजार दिखाते हैं, फिर आगे लेकर के चलते हैं। तो बहन इस तरफ से चलो, ये सीधा रास्ता है। देखो कितना भीड़ भड़के वाला ये पूरा एरिया है, वो सामने देख जामा मस्जिद। सो गाइस, सबसे पहले आपको दिखाते हैं मीना बाजार, मेन मीना बाजार लाल किले के अंदर है, लेकिन जहाँ पर भी है दिखाते हैं आपको। गाइस, मैं पहले भी जहाँ आया था, लेकिन मुझे इस मार्केट नीचे वाली मार्केट का पता नहीं था, मैं बाहर से ऊपर वाली मार्केट देखता चला गया था। देखिए कितना भीड़ भड़का है पूरा। हाँ सुंदर लग रहा है। गाजरी पसंद है? ये देखो, उससे ये ज्यादा बढ़िया कलर है। राधिया आपके लिए नहीं लिया कुछ भी? ये कलर सही बढ़िया है। बहन ने अभी अपने लिए स्वेटर तो ले लिए। बहुत बढ़िया मार्केट है जहाँ पर मीना बाजार। यदि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बहुत सस्ता है, अच्छा है, अच्छे दाम पर आपको मिल जाएगा। अभी राध्या के लिए ले रहे हैं खिलौने। नहीं बाइक लेनी है राध्या? मुझे पुछी 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 ऐसे चाबी से नहीं चलती ना। नहीं नहीं ऐसे तो चलेगा ना, गिरेगा तो नहीं। अभी नीचे की पूरी मार्केट मीना बाजार की हमने दिखा दी है, बहन को घूम ली है, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं ऊपर जामा मस्जिद में। ये देखिए स्वेटर इस बार बहुत ज्यादा आए हुए हैं, जहाँ से भी शुरू होती है बाहर से मार्केट। गाइस, जब मैं पहली बार आया था तो मैंने सोचा था कि यही मार्केट है, वो सामने वाली सिर्फ एक ही लाइन है, लेकिन इसके अंदर ही बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई। राध्या के लिए ना बहन एक शेर वाली कैप देखी है। ओ अभी हाथी वाली डलवाते हैं। राध्या जे पसंद है? जे पसंद है, हमें लगा के दिखा दे एक बारी। हाँ ये सुंदर है ना। तो गाइस जहाँ से अभी दो कैप ली है, तो अभी आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद, और बहुत ऊंचाई पर है जे। जामा मस्जिद काफी ऊंचाई पर बनाई गई थी, और इसके सामने ही है लाल किला। मैं आपको जहाँ से दिखाता हूँ, पहले यहाँ का व्यू देखिए अंदर का, कितनी जनता जहाँ पर आई हुई है। ये देखिए जहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये सामने ही है लाल किला, और लाल किला के सामने ही है देखिए जामा मस्जिद। पहले मैं आपको जामा मस्जिद का पूरा सिनेमैटिक दिखाता हूँ, आप भी इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी अच्छे ढंग से आपको जितना हो सके मैं आपको दिखाऊं। इसके मेरे ख्याल से चार गेट हैं, तीन गेट तो मैंने देखे हैं, एक पीछे की तरफ हो मुझे पता नहीं है, एक गेट इस तरफ है, जो सामने की तरफ है, इस तरफ है। चांदनी चौक जाना हो तो इस तरफ से निकल करके सामने चला जाता है रास्ता। ठंड काफ़ी है ना जहाँ पर? हाँ जी 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 हाँ जी। राध्या ना खुली जगह देख करके बहुत खुश है। जहाँ पर जूते पहनना अलाउड नहीं है, सभी लोग आपको ना नंगे पांव दिखाई देंगे, जूते उन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं। देख इस तरफ भी तो पत्थर भी काफ़ी ठंडा है ना। जी देखिए गाइस, इसका ना अभी काम चल रहा है। मैं तकरीबन 2 महीने पहले आया था, तब भी जहाँ काम चल रहा था, शायद इसका रंग रूंग का कुछ ऐसा कार्य होगा। अभी जैसी थोड़ी और रात होगी ना, तो लाइट
जहाँ पे ऑन हो जाएगी और लाइट में इसकी खूबसूरती बढ़िया लगती है। ये देखिए अंदर से कितना सुंदर लग रहा है, ये सभी लाल पत्थरों से बने हुए ना सारा। ये देखिए गाइस, इसके आगे हम नहीं जा सकते, यहाँ से पर्यटकों का प्रवेश मना है। मीना बाजार की जो मार्केट है, गेट नंबर 2 से जैसे ही आप नीचे को उतरते हैं या चढ़ते हैं, उसके सामने लगी हुई है। बाहर भी लाइन के हिसाब से बाहरी पूरी लाइन की लाइन मार्केट की है, अंडरग्राउंड भी जहाँ पर मार्केट है। देखो गाइस लाइट ऑन होगी, दिन है ना थोड़ा, तो इसलिए इतनी नज़र नहीं आ रही। टाइम अभी हो चुका है शाम के 5:15 और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो भी जल्दी से जहाँ निकलते हैं कि गुड़िया भी बीमार ना हो जाए। और पापा तो बस वहीं बैठ गए हैं, भाई बहन भी चली गई है वहीं पर। चले फिर सोविया, अभी क्या खा रहे हो? ओ अमरूद खा रहे हो, क्या बात है। अरे दया, और मम्मी ठंड कितनी है ना जहाँ पर, देखो गाइस किस कैसे हवा पूरा हेर हिल रहे हैं। अब जामा मस्जिद हम बाहर आ गए हैं, और जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ये रोड सीधा चांदनी चौक को चला जाता है। ये देखिए, इसके ऊपर भी शायद जा सकते हैं, अभी पापा ने बताया कि इसकी ना टिकट है कुछ रखी हुई। सो ये पहले कभी गई है चांदनी चौक? नहीं, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो पहले कभी आया था दिल्ली? तू आया तो मैं ही आऊंगी दिल्ली। गाइस ये है जामा मस्जिद, सीधा रास्ता लेफ्ट साइड सीधा चांदनी चौक, और ये पूरी सुनियारे की पूरी मार्केट है, चांदी के सामान जहाँ पर बहुत आपको मिल जाएगा। उठाया नहीं जा रहा बैग है, क्या हुआ? शोल्डर नहीं दुखते कभी भी, हड्डियाँ होती हैं थोड़ा ना, कमजोरी है इसमें ना, बहन को नहीं उठाया जाता कुछ। मैं डलवा अब नहीं कोई परवाह। ये देखिए स्ट्रॉबेरी, और हाँ जी देख ली। आप सोविया पहुंच चुके हैं चांदनी चौक, वो सामने देखिए बबुआ, वो बेटा वो सामने है शीशगंज गुरुद्वारा, तो राइट साइड है अपना मेट्रो स्टेशन, वो वहाँ दिन में बंदरी मिलते हैं, दिखाएंगे आपको। वो देखो सामने गौरी शंकर मंदिर, इधर इधर आ जा, इधर आ जा बेटा। वो देख सामने लाल किला, हाँ तो ये सामने देख चर्च। अब बताओ लंगर खाओगे? लंगर खाओ, लंगर 7:30-8 बजे लगेगा। और बताओ ये सारे सब ये बैठने के लिए बनाए हुए हैं सारे? हाँ थोड़ा ऊंची बोला करो ना, सुनना ही, थोड़ा ऊंची बोला करो, थोड़ा ऊंची बोला करो ना। मैंने बोला कि अच्छी है कि बैठने के लिए बनाए। पापा और गुड़िया वहीं पर बैठे हैं, मैं मम्मी आए हैं बहन को ये मार्केट थोड़ी घुमाने। आते आते ये भी बहन को थोड़ा दिखा देते हैं चांदनी चौक की मार्केट। इधर चलो शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक में बहुत एक मशहूर दुकान है गुरु कृपा डोसा कॉर्नर, जहाँ पर डोसा खाते हैं। इस सामने देखो कितनी भीड़ लगी हुई, चलो इधर से। बहुत सही मशहूर है जहाँ का डोसा, देख दुनिया सारी डोसा खाने आई हुई है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो यहीं से सामने बस स्टैंड है, बस लेकर के घर की तरफ निकलते हैं। बरात दिया, चलिए अभी चले, ठंड काफ़ी हो गई है। गुरुद्वारा सोइया, फिर दोबारा फिर लेकर चलूँगा। मैं बाहर ही खड़ा था, तो मम्मी और बहन अंदर जा कर के मत्था टेक के आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब में, फिर दिन में लेकर के आऊँगा बहन को। तो उधर से ना आराध्या बहुत टाइम से कह रही थी मैंने मंकी देखने हैं, मंकी देखने हैं, तो चांदनी चौक जो रेल मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पर बहुत सारे मंकी हैं, तो फिर दिन में लेकर आऊँगा, फिर वहाँ चल करके दिखाएंगे। बहन बहुत एक सामने लाल किला। गाइस मंडे के दिन बंद रहता है। गाइस नाइट का आपको मैं लाल किले का पूरा व्यू दिखाता हूँ, जो सामने देखिए आप, सामने झूले इत्यादि लगे होते हैं। गाइस अभी लेकर के चलते हैं आपको अंदर, पहले भी एक बार मैंने दिखा दिया आपको, आज फिर लेकर के चलते हैं। जे हमेशा रहता है जहाँ पर, जे देखिए गाइस बारे फोड़ने वाला लगा हुआ है, वो बड़ा राउंड वाला झूला, इधर बूट वाला। आदिया जहाँ आकर के पूरी खुश हो चुकी है, ये देखिए कितना सुंदर है, जिस बड़ा बढ़िया लगा। पहले ना लाल किले के दूसरी तरफ लगता था, अब इस तरफ लगता है। कौन सा लेना है राधा, बताओ कौन सा लेना है? यही बिठा दो। गर्मा गर्म खाते हैं गुलाब जामुन। आपको दिखाते हैं ऊंट कुछ खा रहा है, घास घुस कुछ ना, ऐसे पत्ते पत्ते खा रहे हैं जी।
रातिया वो देखो क्या है ऊंट। जब भी सुबह कभी अकेली आना हो ना मम्मी के साथ, सामने बस स्टैंड है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है रात्रि के 8:30, तकरीबन 20 मिनट पहले हम घर पहुंचे। आद्या खेल रही है पापी, लैपटॉप ऑन कर देना, वीडियो अपलोड हो रही है। अभी जो वीडियो है मैं अभी अपलोड कर रहा हूं घर आकर के। तो इधर मम्मी चाय बना रही है, अभी जेना में गर्म कर रहे हैं। तो गाइस अभी चाय पीते हैं, एक पराठा आलू का खाते हैं। सुबह आलू का पराठा जो बनाया था ना खाया था, वही एक एक एक्स्ट्रा बना लिया था। तो अभी चाय पीते आलू का पराठा खाते हैं, खाना खा रहे हैं चाय पी रहे हैं। और बहन कैसी हो? बढ़िया बहन, तकरीबन 50,000 रुपए लेकर के आई है खर्च करने के लिए। अभी तक बहन कितना खर्च कर दिया? 6-7-8 हज़ार खर्च कर दिया। अच्छा। तो इसको कल थोड़ा थमा देंगे कि रुक जा भाई। आज जीजा जी के सामान सारा लिया, जीजा जी के लिए जैकेट लिया है, कुछ इन्होंने अपने लिए स्वेटर कपड़े कपड़े लिए हैं। तो कल भी इनको कहीं लेकर के चलते हैं, बहन को घुमाते हैं। अभी गाइस मम्मी नाइट के खाने की कर रहे हैं तैयारी, आज मक्के की रोटी साथ में शलगम, आपको पता ही बने हुए हैं। तो इधर बहन खा रही है खाना और गुड़िया को डांट रही है, तो मेरे से पिटाई तेरी हो जाएगी। नहीं खाना नहीं खाती फिर रोती है। इतना गुस्सा बहन, इतना गुस्सा। खा लो ये खा लो, लटरम बटरम से थोड़ी बात बनेगी। मम्मी सोविया ने राध्या को रुला दिया, लस्सी पी। अब नहीं मम्मी छोड़ेगी। गाइस जब राध्या रोती है ना मम्मी अब सोविया का बाजा बजा देगी। सोविया का बाजा जाना रेडी है। इधर बहन खा रही है खाना। सो गाइस इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं उसको चुप करा दूंगा तो और ज्यादा वो रोएगी। गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।